सब्सक्राइब कीजिए टैक्सेशन गुरुजी चैनल को और घंटी बजाइए लेटेस्ट टैक्स अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज का हम लोग का टॉपिक है सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो कि डील करता है टीसीएस के प्रोविजंस को। टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स या कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स भी इसे कहा जाता है। हम लोगों ने इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस हैं उनको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वैसे तो हम लोग ये जो सेक्शन 52 है इसके सभी 14 सबसेक्शंस को इन डिटेल देखेंगे, लेकिन जिन भी लोगों को पूरे 14 सबसेक्शन विद द लैंग्वेज ऑफ लॉ ना जानना हो उनके लिए ये 10 मिनट लगभग जो 10 मिनट का वीडियो बनने वाला है, हम लोग कह सकते हैं कि ये 10 मिनट संपूर्ण ज्ञान होंगे। यानी कि इसमें हम लोग टीसीएस से रिलेटेड हर एक प्रोविजन को, टीसीएस से रिलेटेड हर एक बातों को जानेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस वीडियो की सीरीज में ही आगे अपने उन एफएक्यूज को भी जानेंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए हैं, या आप लोगों के द्वारा गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोगों के द्वारा जो भी हमारे वीडियोस पे कमेंट आएंगे उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और डिफरेंट व्यूज जो होंगे टीसीएस से रिलेटेड वो भी हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका और आप देख रहे हैं टैक्सेशन गुरुजी। तो चलिए दोस्तों आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, टीसीएस होता क्या है? टीसीएस टीडीएस जैसा ही होता है बट टीडीएस नहीं होता है। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो टीसीएस क्या होता है ये जानने से पहले तीन लोगों को जानना जरूरी है, और ये तीन लोगों का डिफरेंट लीगल एंटिटी होना उससे भी ज्यादा जरूरी है टीसीएस के प्रोविजंस को समझने के लिए। तो ये लोग जो तीन डिफरेंट लोग हैं ये कौन है? ये है बायर यानी कि रेसिपिएंट, सेलर यानी कि सप्लायर, और ईसीओ यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो रेसिपिएंट या बायर किसे कहते हैं? हु पेज मनी टू बाय समथिंग। जो कोई भी पर्सन कुछ खरीदने के लिए कंसीडरेशन पे करता है और कंसीडरेशन के बदले सेवा या वस्तु प्राप्त करता है उसे ही बायर या रेसिपिएंट कहते हैं। अगला, सेलर यानी कि सप्लायर किसे कहते हैं? तो सप्लायर या सेलर वो पर्सन है जो एक्चुअली सेवाएं या वस्तु सप्लाई करता हो जिनके लिए बायर ने भी कंसीडरेशन पे किया है। और अब तीसरा पर्सन है इसी सीरीज में ईसीओ यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर या ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसे कहेंगे जो भी कोई भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जैसे कि कोई वेबसाइट, कोई मोबाइल ऐप, बट नॉट कन्फाइंड टू दीज ओनली, ओन करता है, ऑपरेट करता है या मैनेज करता है, और उस प्लेटफॉर्म पे, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे ई कॉमर्स यानी कि व्यापार हो रहा हो, तो उस ओनर को या उस ऑपरेटर को या उस मैनेजर को ई कॉमर्स ऑपरेटर कहेंगे। जैसे कि भारत में फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, पेटीएम है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, एक ईसीओ है। इन तीन लोगों की डेफिनेशंस को दोस्तों हम लोगों ने डिटेल में विद द लैंग्वेज ऑफ लॉ भी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों को डिटेल में जानना हो तो आप वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझते हैं कि ये टीसीएस होता क्या है। तो हम ईसीओ की जगह पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ईसीओ की जगह पे हम अमेजन की बात कर लेते हैं। amazon.in जो एक वेबसाइट है उसको लेकर हम लोग अपना एग्जांपल को फ्रेम कर लेते हैं और अपना एग्जांपल का बात कर लेते हैं। सपोज एक बायर ने amazon.in से एक फ्रिज खरीदा, तो यहाँ पे तीनों पर्संस का रोल आ गया। एक फ्रिज के खरीदने में तीनों पर्संस का रोल आ गया, जिसको अभी मैंने आपको बताया था। एक बायर है जिसने फ्रिज खरीदा है, एक ईसीओ यानी कि अमेजन जिसके थ्रू फ्रिज सेल किया गया है, और एक सेलर है, एक सप्लायर है जो एक्चुअली उस फ्रिज को सेल कर रहा है अमेजन का प्लेटफॉर्म यूज करके। तो इस फ्रिज खरीदने के ट्रांजेक्शन में जीएसटी तो लग ही रहा होगा, क्योंकि फ्रिज एक गुड्स है और वो सप्लाई किया जा रहा है, और वो भी कंसिडरेशन के लिए सप्लाई किया जा रहा है। अब अगली बात, जो सेलर है वो बिल में अपने जीएसटी तो चार्ज करके बायर से कलेक्ट करेगा ही, जनरली तो यही होता है ना, तभी तो इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, क्योंकि गुड्स पे जीएसटी बायर खुद सरकार को ना पे करके सेलर को पे करता है और सेलर सरकार के खाते में जमा करा देता है। अब सरकार यानी कि गवर्नमेंट जो है वो इस ट्रांजेक्शन में कह रही है कि सुनो भैया अमेजन, जो फ्रिज किसी सेलर ने तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म यूज करके, तुम्हारी वेबसाइट यूज करके किसी बायर को बेचा है, उसका पैसा तो बायर से तुम ही कलेक्ट करोगे, उसमें से अपना सेलिंग कमीशन काटोगे, वो कमीशन जो तुमने सप्लायर को उसका फ्रिज बेचने में मदद की है, अपना प्लेटफॉर्म यूज करने दिया है, उसका सेलिंग कमीशन तुम अपना काटोगे उसमें से, और उसके बाद वो पैसा तुम सेलर को रेमिट कर दोगे, तब तुम उस सप्लाई के नेट टैक्सेबल वैल्यू पे 1% का अमाउंट सेलर को देने वाले पैसे में से काट के हमारे पास जमा करा देना सेलर के बिहाफ पे, सेलर के जीएसटी आई एन नंबर में, कि
ये हमारे पास डिटेल है कि सेलर ने तुमसे कुछ बेचा है तुम्हारे थ्रू। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि सपोज फ्रिज था 10,000 रुपए का, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फ्रिज था 10,000 का और उस पर 18% का जीएसटी 1,800 रुपए बायर से सेलर ने कलेक्ट किया, यानी कि सेलर बायर ने पे किया 11,800, जिसमें से 1,800 रुपए तो जीएसटी के थे जो गवर्नमेंट के खाते में सेलर को जमा कराने थे। लेकिन ये बात गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं है ना कि सेलर ने 10,000 रुपए का कोई चीज अमेजन के थ्रू बेचा है और उस पर 1,800 रुपए का जीएसटी भी कलेक्ट किया है। बट जब अमेजन 10,000 रुपए का 1% एज अ टीसीएस एडवांस में सरकार को जमा करा देगा सेलर के बिहाफ पे, सप्लायर के बिहाफ पे, तो सरकार को पता चल जाएगा कि सेलर ने 10,000 रुपए का कुछ बेचा है। इस केस में सेलर की मजबूरी हो जाएगी, उस सप्लायर की मजबूरी हो जाएगी कि वो 1,800 रुपए का जो जीएसटी बायर से उसने कलेक्ट किया था उसको वो सरकार को जमा करा दे, क्योंकि सरकार को तो पता चल चुका है और सरकार किसी ना किसी तरीके से सप्लायर से वो 1,800 रुपए वसूल कर लेगी। तो अगर आप पूछें कि टीसीएस का प्रोविजन आखिर आया है क्यों, तो टीसीएस का प्रोविजन केवल और केवल टैक्स की चोरी को रोकने के लिए आया और बेटर ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए आया। यहाँ पे एक अमेजन एक बड़ी एंटिटी है जिसके थ्रू उस सेल की जानकारी ली जा सकती है, तो इसलिए सरकार ने उस अमेजन को एक तरीके से लाइबिलिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप इसकी ट्रांजेक्शन की डिटेल हमें दें और उस पर 1% का टैक्स आप हमें दे दें, बाकी हम सप्लायर से डायरेक्टली ले लेंगे। सो आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टीसीएस क्या होता है एंड हाउ इट वर्क्स। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। ई कॉमर्स ऑपरेटर और जो भी सप्लायर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाईज करते हैं उन्हें कंपल्सरिली रजिस्ट्रेशन कराना होता है, किसी भी तरह की थ्रेशहोल्ड एग्जेम्पशंस इन्हें नहीं मिलती हैं। अब अगला पावर टू कलेक्ट टीसीएस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सरकार हमसे जीएसटी टैक्स लेती है या कोई भी टैक्स लेती है, ये पावर गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो संविधान है वो देता है। उसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं जो किसी भी सेलर से टीसीएस कलेक्ट करेंगे उनको ये पावर, उन ईसीओस को ये पावर सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट देता है। अब टीसीएस के लिए क्या कोई रिटर्न भी भरनी है? तो जी हाँ, बिल्कुल भरनी है। हर एक ईसीओ को पूरे महीने में कलेक्ट किए गए टीसीएस की एक स्टेटमेंट और कलेक्टेड टीसीएस अपने अगले महीने की 10 तारीख तक जीएसटीआर 8 फॉर्म भर के जमा करना होगा। और इसके साथ ही एक एनुअल स्टेटमेंट भी भरी जाएगी जो कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद लेकिन 31 दिसंबर के पहले भरना होगा। और अगर स्टेटमेंट में कोई भी रेक्टिफिकेशन करना हो तो वो भी किया जा सकता है। और जिस सेलर का टीसीएस किसी भी ईसीओ ने डिडक्ट करके जीएसटी पोर्टल में जमा करा दिया है और साथ में जीएसटीआर 8 फॉर्म भरा है, वो टीसीएस सेलर के जीएसटीआर 2A के पार्ट सी में दिखने लगेगा। ये टीसीएस जो किसी सेलर या सप्लायर का ईसीओ ने कलेक्ट करके डिपॉजिट किया है वो सप्लायर या उस सेलर के जीएसटी पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो कलेक्टेड टीसीएस शो करने लगेगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं, एक पॉइंट है मैचिंग ऑफ डिटेल्स की। जो भी डिटेल्स ईसीओ ने अपने मंथली स्टेटमेंट में भरी होगी और उसके बाद वो डिटेल्स जो भी सप्लायर अपने रिटर्न में भरेगा उनको मैच किया जाएगा। अगर किसी भी तरह की कोई कमी मिलती है तो उसे ईसीओ और सप्लायर दोनों को ही कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। और अगर किसी तरह की टैक्स की कमी है तो उसे सप्लायर के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में विद द इंटरेस्ट जोड़ दिया जाएगा। अब एक पॉइंट है दोस्तों यहाँ टीसीएस में ही नोटिस के बारे में। तो डेप्यूटी कमिश्नर या उससे ऊपर की रैंक का कोई भी अधिकारी या अथॉरिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को नोटिस इशू करके किसी भी पीरियड के लिए कोई भी तरह की डिटेल्स मांग सकता है, किसी भी ट्रांजैक्शन की डिटेल मांग सकता है। और अगर 15 दिनों में ईसीओ ने डिटेल नहीं दी तो उसके ऊपर अंडर सेक्शन 52 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा और साथ में ही कुछ पेनल्टीज, कुछ एक्शंस जो अंडर सेक्शन 122 बताए गए हैं वो भी लगाए जाएंगे। तो दोस्तों ये हुआ कंप्लीट टीसीएस से रिलेटेड एक ब्रीफ नॉलेज जिसमें हम लोगों ने टीसीएस के बारे में सभी चीजों को कवर किया है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपना डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ सेक्शन 52।